बिस्मिल रहीम सो वी आर डूइंग डेरिवेटिव आज हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे हाउ टू मेक प्रॉफिट आउट ऑफ इट्स एंड दैट इज थ्रू अ मीडियम दैट इज़ कॉल्ड आर्बिट्राज आर्बिट्राज जो है व्हाट इज़ दैट मेन एम इज़ टू अर्न अब ये हम क्या कर रहे हैं कि हम कोई ऐसी पोजीशन लेना चाह रहे हैं जिसमें प्रॉफिट आए वो तो लेकिन हमारी अगर हम बात करें तो हमेशा यही मोटिव होता है कि वी टेक पोजीशन हमें कोई शेयर खरीदते हैं तो हमारा मकसद यही होता है कि वो प्राइस बढ़ेगी तो हमें गेन होगा लेकिन उसकी डाउन साइड भी साथ होती है कि अगर शेयर की प्राइस नीचे चलेगी तो हमें लॉस होगा तो वन वी से आरबी ट्राज आरबी ट्राज इज़ अ सिचुएशन वेन यू आर स्ट्रक्चरिंग या ट्रांजेक्शन सच डैट कि वो ऐसे लॉक हो जाए कि उसमें थ्योर शॉर्ट प्रॉफिट है विदाउट टेकिंग रिस्क थोरेटिकली तो इसमें इन्वेस्टमेंट भी इन्वॉल्व नहीं होती है आरबी ट्राज इज थ्रेटिकली विदाउट इन्वेस्टमेंट रिस्क फ्री रिटर्न बट समाइम लिटिल इन्वेस्टमेंट इज़ देयर और समाइम लिटिल रिस्क इज ऑल्सो देर बट इसका जो स्ट्रक्चर है वो यही है कि आप इस तरह ट्रांजेक्शन को लॉक कर देते हैं कि यू कैन गेन आउट ऑफ इट पहले मैं इसको आपकी लोकल एग्जाम्पल समझाता हूँ कि यू इफ सपोज यू आर रिजाइडिंग इन वन मेन सिटी लाहौर और आप यू गो टू टेक्सटाइल हब फैसलाबाद यू बाई सम क्लॉथ यू कम बैक एंड सेल इट इन लाहौर तो ये एक नॉर्मल ट्रेडिंग है लेकिन इन कंट्रास्ट यू गो एंड बाय सम क्लॉथ एन द फैसलाबाद मार्केट और इमीजिएटली राइट एट द टाइम ऑफ बाइंग यू इमीजिएटली सेल द ट्रांजेक्श दैट प्रोडक्ट ओवर द कॉल और ओवर कॉन्ट्रैक्ट टू सम पार्टी इन लाहौर इमिजिएटली सो आपने बाए वहां से किया और उसी वक्त सेल कर दिया तो ट्रांजेक्शन आपकी कंक्लूड हो गई तो इन इनकेस आपके प्राइस मार्केट्स में जो कम जाए बढ़ जाए ज़्यादा हो जाए वट एवर योर प्रॉफिट इज लॉक तो ये आपने जी तीन थाउजेंड पे बाय किया और थर्टी टू हंड्रेड पे पर जो है सेल कर दिया पर यूनिट तो यू आर लॉकिंग दैट ट्रांस तो दिस इज अ काइंड ऑफ एन आर्बिट्राज ये आर्बिट्राज और मल्टीपल तरह से हो सकता है कि आप आपकी दो मार्केट्स जिस तरह यहाँ पे पैसे पाले पाकिस्तान में हमारे पास अब है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज प्रीवियसली वी एड कराची स्टॉक्स चेंज एंड लाहौर स्टॉक्स चेंज इस्लामाबाद स्टॉक्स चेंज तो एक आरबी ट्राक की अपॉर्चुनिटी कैसे आती थी कुछ शेयर ऐसे थे जो लाहौर में भी ट्रेड होते थे इस्लामाबाद में लेकिन उनमें कुछ प्राइस का डिफरेंस होता था तो फ्यू पीपल वॉट दे यूज टू डू लाहौर से ख़रीदते थे इमिजिएटली कराची में बेच देते थे अब उसका डेफिनेटली फ्रैक्शन मार्जिन बहुत थोड़ा होता था लेकिन इन वॉल्यूम्स दे कु गेन मनी आउटफिट सो दिस वॉज अ आरबी ट्राक के लिए सात ही बिग गया एंड यू आर लॉकड सिमिलरली इसमें जो हमारे डेरीवेटिव कॉन्टेक्स में आता है कि आपके ख्याल से नॉर्मली एक प्रोडक्ट की जो फ्यूचर की प्राइस है या फॉर्व की प्राइस है दैट शुड भी द बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट रेट पैरिटी इंटरेस्ट रेट की मूवमेंट से होनी चाहिए तो यू सी द फ्यूचर की आपको रेड मार्केट नज़र आ रहा है कि दैट प्राइस इज़ दिस एंड इफ़ यू टेक अ प्रजेंट वैल्यू दैन यू नो द करेंट वैल्यू लेकिन जहाँ पर इसका मिस मैच अगर नज़र आए एंड यू बाई एट करंट लेवल एंड सेल इड इमीजिएटली इन द फ्यूचर और उसमें वो इंटरेस्ट कॉस्ट से ज़्यादा आपको कोई बेयर करनी पड़े कॉस्ट के अलावा भी जो कुछ करें एंड देन यू स्टिल कैन गेन मनी आउट ऑफ इट देखिये बाय भी अभी हो गया सेल भी अभी हो गया तो रिस्क एलिमेंट खत्म हो गया यू कैन जस्ट मे श्योर शोर रिस्क फ्री रिटर्न एंड दैट इज़ थ्रू आरबी ट्राज तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस पर मैं आपको कहूँगा थोड़ी सी रिसर्च करें जस्ट टाइप इट सी मोर एग्जाम्पल्स पाकिस्तान की हिस्टोरिकल मार्केट्स की थोड़ी हिस्ट्री भी देखें कि लाहौर और कराची में कैसे मार्केट्स ऑपरेट करती थी तो so, ये लॉक्ड पोजीशन हो जाती है एंड देन यू आर स्ट्रक्चरिंग इन दैट आर्बिट्राइज लिंक बिटवीन अ फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड अंडरलाइंग सिक्योरिटी एट स्पॉट के अभी उसकी क्या प्राइस है और फ्यूचर से उसकी क्या इम्पैक्ट है फ्यूचर पैरिटी और कैश कैरी आर्बिट्राइड तो अब जो जिस मॉडल में हम अर्निंग की बात करें दैट इज फुल में ये जो आपके टाइटल में भी देख सकते हैं कैश एंड कैरी आर्बिट्राज के इमीजिएटली आप एक पोजिशन ले लेते हैं एंड देन यू लॉक इट इन द लॉन्ग रन द आर्बिट्राज लिंकिंग पुटिंग पुट एंड कॉल ऑप्शन टू ईच अदर ये हम ऑप्शन में भी इसके साथ लिंक करते हैं और डिफरेंट डेरिवेटिव के थ्रू ये रूट होती है इट इज रेफर टू एज पुट कॉल पैरिटी ये भी उसका रिलेशनशिप है. है जिसके थ्रू यू कैन सी जहां पे डिफरेंस आपको नजर आता है यू कैन गेट तो ये नॉर्मली आर्बिट्रॉज का मेन मकसद क्या है कि जो मार्केट में इनएफिशंसीज हैं उनसे आन करना विदाउट टेकिंग द रिस्क टूगेदर विद स्पॉट फ्यूचर रिस्क पैरिटी तो ये आपकी ट्रांजेक्शन को लॉक कर दिया जाता है अभी हम इसी एग्जाम्पल भी करेंगे तो विल बी हैविंग अ मोर क्लियर पिक्चर ऑफ दिस आर्बिट्राज इज द कंडीशन दैट टू इक्वेबलेंट एसिट्स और डेरिवेटिव कॉम्बिनेशन सेल फर डिफरेंट प्राइस कि एक दो सिमिलर चीज़ें हैं उनका पैकेज एक प्राइस कम है और वैसे मार्केट में उसकी प्राइस ज़्यादा है यानी कि जहाँ पर कोई डिफ्रेंस आ जाए इनकन्सिस्टेंसी या इन एफिशेंसी नज़र आएगी वहाँ पर आरबी श्राज ट्रिगर हो सकती है दीज लीड टू अपॉर्चुनिटी टू बाई एट लोअर प्राइस एंड सेल एट अ हायर प्राइस तो ये हमारा जो मेन उसका स्पिरिट है कैश एंड कैरी आर बी ट्राई रिलेशनशिप कीप द फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस सो दैट ऑफ सैडिंग पोजिशन रिलेटिव टू अंडरलाइंग सिक्योरिटी के फ्यूचर की प्राइस देख के हम उसको करंट स्पॉट से लिंक करके वी गेन और ये रिस्क लेस मैक्टर में आपको अर्न कर रहे हैं द रिजल्ट इज द रिटर्न टू हैजर कंसिस्टेंट विद रिस्क लेस रेट एक तो बिल्कुल होता है ना रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट वो भी होती है कि आप गवर्नमेंट ट्रेजरी में इन्वेस्ट कर दें यहाँ वो बात नहीं हो रही यहाँ आप बात हो रही है कि रिस्क लिए बगैर इन इंस्ट्रूमेंट्स में इन आ, जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इनसे रिटर्न कमाया जाए कैश कैरी आर्बिट्रेज आर नॉट हंड्रेड परसेंट विदाउट रिस्क ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि दे आर हंड्रेड परसेंट रिस्क फ्री हैं लेकिन उसमें कुछ रिस्क होते हैं मार्जिनस भी चेंज हो सकते हैं ब्रोकरस की सिचुएशन चेंज हो सकती है और समथिंग एडवर्स कुड हैपन दैट मीन्स सम रिस्क इज स्टिल देयर और दर इसको बहनी मार्केट मूवमेंट के मार्केट की जो मूवमेंट की वजह से जैसे आपने कोई शेयर खरीदा है तो मार्केट अप डाउन जाती है तो आपकी प्राइस डाउन होगी उस तरह के रिस्क हमने ऑलरेडी कैप्चर कर लिए हैं लॉक करके ट्रांजेक्शन को दे इज नो नीड टू एक्सेस आइदर वन इन द ओपन मार्केट डायरेक्ट डायरेक्टन नॉर्मली और ये कैश सेटल होते हैं इसमें नॉर्मली ये नहीं होता कि आपने दोबारा वो बाय भी करना है सेल भी करना है कैश से यू गेन और जो आपकी पोजिशन लॉक है यू गेट द मनी आउट ऑफ इट फिजिकल एसिड्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है क्योंकि वहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट और इंश्योरेंस वगैरह भी इन्वॉल्व होती हैं बट स्टिल आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटीज कम्स इन देअर फॉर आर्बिट्राज इज मोर प्रॉफिटेबल इन नॉन फिजिकल फिजिकल में इतना नहीं है नॉन फिजिकल में इनकी रिटर्न की पोजिशनिंग ज्यादा है सो दिस वे इट वी कैन गेन रिस्क फ्री रिटर्न फ्रॉम आर थ्री थैंक यू